बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने 9th इंग्लिश का लेसन नंबर 5 डिस्कस किया था, जो कि पोएम थी डैफोडिल्स। तो आज उसकी एक्सरसाइज, उसके जो आंसर द क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट 2 जो क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 51 पर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन रेज किया उसने, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। डैफोडिल्स को आप स्टार्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, ये क्वेश्चन उसने रेज किया है। तो यहाँ पर जैसे उसने पोएम के अंदर उसने हमें बताया कि डैफोडिल्स का सीन जब उसने देखा, उनको देखा, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इतने थे जैसे आसमान पर स्टार्स होते हैं। तो उनकी तादाद, उनकी नंबरिंग उनकी इतनी ज़्यादा थी जैसे स्टार्स की होती है, एंडलेस। जहाँ तक नज़र जाती है हमारी, वहाँ तक वो स्टार्स जा रहे होते हैं। तो डैफोडिल्स का सीन भी जो उसने यहाँ पर बताया है कि वो भी इसी तरह का सीन था। तो इस तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, डैफोडिल्स आर कंपेयर्ड विद स्टार्स एज दे आर आल्सो स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइंस लाइक द स्टार्स इन द मिल्की वे। कि डैफोडिल्स को कंपेयर किया जा सकता है विद स्टार्स, स्टार्स के साथ, एज दे आर आल्सो स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइंस, क्योंकि वो भी उसी तरह से फैले हुए, नेवर एंडिंग लाइंस, न ख़त्म होने वाली कतार की सूरत में। उनकी भी कोई हद नज़र नहीं आ रही थी कि कहाँ तक वो फैले हुए, जहाँ तक नज़र जा रही थी वो डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स उसको नज़र आ रहे थे। तो स्टार्स भी चूंकि इस तरह से हैं, इसलिए दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। लाइक द स्टार्स इन द मिल्की वे, जैसे सितारे कहकशां के अंदर फैले होते हैं, नेवर एंडिंग लाइन, जहाँ पर हमारी नज़र जा रही होती है वहाँ तक स्टार्स जा रहे होते हैं। तो इस तरह से डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि नेवर एंडिंग लाइन दोनों में सेम एक कंपेरिजन है, ना ख़त्म होने वाली कतार दोनों की, सेम सिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रेज किया उसने, हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। शायर जो है वो डैफोडिल्स की कंपनी में अपने आप को कैसे फील करता है, कैसे महसूस करता है। उसने पूरी पोएम लिखी है, उसके अंदर उसने लिखा है कि वो तो उनके अंदर खो कर रह गया, उस मंजर को से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसको देखते ही चला गया, वेरी हैप्पी, खुशी के उसके आसार उस पर जहर हुए, खुश हुआ वो बहुत। तो यकीनन हमारा आंसर भी इसके हवाले से यही होगा, द पोएट फील्स वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। शायर जो है वो डैफोडिल्स की कंपनी में, डैफोडिल्स के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, खुशी महसूस करता है अपने आप को, डिलाइटफुल, वेरी हैप्पी, ये उसके तासुरात थे। तो ये तो थे दो क्वेश्चन जो पोएम के पेज नंबर 51 के अंदर दिए गए थे। उसके बाद अगले जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 53 पर, इसलिए दोबारा से मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से उनकी नंबरिंग की है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन उसने रेज किया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये जो पोएम आपने पढ़ी है डैफोडिल्स, इसका सेंट्रल आइडिया, मरकजी ख्याल क्या हो सकता है, इनको यानी कि सम अप करके मुख्तसर अल्फाज में पूरी पोएम को बयान करें, भी क्या चीज़ उसने यहाँ पर डिस्कस की है, वो क्या कहा है उसने। तो उसका मेन ये है कि इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। मेन चीज़ जो है जो पोएट है प्रेजेंट कर रहा है, पेश कर रहा है इस पोएम के अंदर, वो क्या है, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत की जो खूबसूरती है, जो अट्रैक्टिवनेस है, उसको वो शो कर रहा है इस पोएम के अंदर। फितरत को ही डिस्कस किया है कि डैफोडिल्स किस तरह से उसने रिप्रेजेंट किया, उसको देखा, किस तरह से इंजॉय किया उसने, उसके लिए खुशी का बायस है वो चीज़। तो दूसरी चीज़ जो उसने बयान किया है, द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटीफुल इम्पैक्ट ऑफ नेचर
ऑन ह्यूमन माइंड. इस चीज को भी उसने शो किया, रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटीफुल इंपैक्ट ऑफ नेचर, फितरत का जो खूबसूरत तरीन तासुर है ह्यूमन माइंड, इंसानी जहन पर उसका जो असर है उसको भी उसने एक अच्छे अंदाज में पेश किया है. तो ये मेन इसका जो सेंट्रल आइडिया हो गया वो यही है, एक तो उसकी ब्यूटी को, अट्रैक्टिवनेस को, उसको रिप्रेजेंट किया, उसको शो किया उसने, और दूसरी जो मेन चीज़ है उस अट्रैक्टिवनेस का, उस ब्यूटीफुल सीन का ह्यूमन माइंड पर क्या असर पड़ता है उसको उसने एक अच्छे अंदाज में, ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट किया है. इधर उसने आपको एंड पे ये बात बताई है कि जब कभी वो तन्हाई में होता है, लोनलीनेस में होता है, सॉलिट्यूड के अंदर होता है, परेशानी के हालत में होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो फौरन वो क्या करता है, वही सीन जो है डैफोडिल्स वाला सीन जो उसने वहाँ पर देखा था उसको रिकॉल करता है, रिमाइंड करता है. उसको रिमाइंड करने से उसकी सारी परेशानियाँ, सारी फिक्र उसकी ख़त्म हो जाती है. तो यही चीज़ यहाँ पर वो बयान कर रहा है कि इंसानी ह्यूमन माइंड पर उसका क्या असर है उसको उसने यहाँ पर एक्सप्रेस की है. तो ये होगा इसका सेंट्रल आइडिया पूरी पॉइंट का. उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम. डैफोडिल्स जो हैं वो नाज़म के अंदर किस चीज़ को शो करते हैं, किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो जो मेन चीज़ है वो है ब्यूटी ऑफ नेचर, फितरत के हुस्न को, फितरत की खूबसूरती को शो कर रहे हैं वो. तो उसका आंसर हमारा यही होगा, द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोएम. डैफोडिल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, ब्यूटी ऑफ नेचर को, फितरत के हुस्न को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस नज़म के अंदर. तो ये हमारा आंसर होगा, डैफोडिल्स रिप्रेजेंट ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोएम. नज़म के अंदर वो फितरत के हुस्न को, फितरत की खूबसूरती को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने रेज किया कि व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट. उस मंजर की जो यादें हैं, ये जो मंजर उसने देखा, डैफोडिल्स का सीन उसने देखा, उसको एंजॉय किया, उसके लिए कितनी बड़ी दौलत है. तो ये जो क्वेश्चन है ये मेन उसके लिए, असल में उसने जो पूरी सीन बयान किया उसके एंड पे जो बात उसने की है वो यही है कि ये सीन जो है मेरे लिए परमानेंट सोर्स ऑफ जाय है, परमानेंट सोर्स ऑफ प्लीजर है मेरे लिए. क्यों? जब भी वो कभी परेशानी की हालत में होता है, तन्हाई की हालत में होता है, सोचों में गुम होता है, तो जैसे ही वो मंजर डैफोडिल्स वाला सीन उसकी मेमोरी के अंदर रिकॉल होता है, रिमाइंड होता है उसको, तो उसकी सारी परेशानियाँ, उसकी सारी फिक्र, उसकी तन्हाई, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल अपने आप को उसी के साथ, उस मंजर के साथ दोबारा से कनेक्ट कर लेता है जो मंजर उसने अरसा पहले देखा था. तो जब वही मंजर उसके सामने रिकॉल होता है तो ज़ाहिर है उसकी सारी परेशानियाँ, उसकी फ़िक्र, हर चीज़ ख़त्म. तो ज़ाहिर है उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है जो उसकी फ़िक्र को, उसकी परेशानी को, उसकी तन्हाईपन को उसको ख़त्म करे, तो उससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है. तो यही इसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, द मेमोरीज ऑफ द सीन आर ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय फॉर द पोएट. उस मंजर की जो यादें हैं आर ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय फॉर द पोएट, शायर के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस है, खुशी का जरिए है उसके लिए. वेन एवर ही इज अलोन, जब कभी वो तन्हाई में होता है, अकेलेपन में होता है, He recalls that scene. तो क्या करता है, उसी मंजर को याद करता है. And becomes happy. और उस मंजर को याद करने से वो क्या होता है, खुश हो जाता है. उसकी anxieties, उसकी worries, उसकी loneliness, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है. तो यकीनन ये चीज़ फिर उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है. तो ये थे आपके questions जो रिलेटेड, यानी कि जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं. आगे एक दो और क्वेश्चन है वो इररिलेवेंट है, मतलब है बुक से रिलेटेड है कि बुक सामने है और उसके सामने आप उसको डिस्कस करें. उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपने पोएम पढ़ी है, असल उसके हवाले से जो क्वेश्चन होता है मेन,
इसमें बाकी जो लेसन आपने पढ़े हैं उसमें आपको कहा जाता है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू पैरा दिया होता है किसी भी लेसन में से कि उसकी आप ट्रांसलेट करें, तो ये जो पोएम है उसकी ट्रांसलेट के हवाले से ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके लिए अलहदा से क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी, जो कि राइट समरी ऑफ द पोएम, पोएम की समरी लिखें। डैफोडिल चूँकि हमने पढ़ी इसलिए यहाँ पर मैंने डैफोडिल्स का नाम लिया है, डैफोडिल्स की समरी है उसको आप लिखें। पेपर के अंदर आपको से यही क्वेश्चन रेज किया जाता है पोएम के हवाले से कि आप उसकी समरी राइट करें। 2 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, एक ये डैफोडिल्स है, एक और आगे नेक्स्ट आएगी, उसको जब आएगी फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम इसकी बात हो रही है डैफोडिल्स जो पोएम है उसकी समरी लिखें। समरी का उसका सवाल आपसे पूछा जाता होता है, तो समरी मीन क्या होता है? खुलासा, अपने लफ्जों में बयान करना, डिस्क्राइब करना, जो कुछ आपने पोएम के अंदर पढ़ा है उसको आपने क्या करना होता है? अपने लफ्जों में बयान करना होता है, डिस्क्राइब, पोएटिकल वे में नहीं लिखना होता। तो उसने शायर लिखे हैं, पोएट्री की आपने, उसको पोएट्री में नहीं अपने अल्फाज में अपने सादा लफ्जों में उसको एक तरह से सम अप करके राइट करना होता है कि उसने क्या कहा है इस पोएम के अंदर, वो कहना क्या चाह रहा है, किस किस चीज़ की उसको डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें होती हैं, राइट द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, कि जो पोएम आपने पढ़ी है उसको आप अपने लफ्ज़ों में लिखें। तो उसके लिए मेन तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं जो पोएट है उसके बारे में, एक दो लाइन उसके बारे में, जो ये पोएम है किसने राइट की है, इसका राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है, पोएट कौन है। मेन चीज़ कि पोएट का नाम आपको अभी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम राइट की है, एक दो लफ्ज उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि वर्ड्सवर्थ जो था वो कौन था। तो उसकी मेन जो है पोएट्री जो सारी की सारी नेचर के बारे में है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ नेचर, फादर ऑफ नेचर, लवर ऑफ नेचर, ऑल हिज पोएट्री देयर इज डिस्कशन ऑफ नेचर। तो ये चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करके उसके बाद फिर आप पोएम के हवाले से आ जाएंगे, कि जो कुछ आपने पोएम के अंदर पढ़ा है कि उसको डिस्क्राइब करेंगे। वन डे ही वाज वांडरिंग लोनली एज ए क्लाउड, ही सॉ ए क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, देवर फ्लटरिंग, देवर डांसिंग, द लेक्स वेव्स वर आल्सो डांसिंग विद देम। मतलब इस तरह से एक तरतीब के साथ आपने उसको डिस्कस करना है स्टेंजाज के हवाले से, जैसे 4 स्टेंजा हैं इस पोएम के अंदर, तो उसके रिलेटेड आप कंटिन्यूली उसी तरह से उसको डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। एंड पॉइंट उसका यही होगा कि जी कि ये जितना भी उसने सीन था वो सीन उसके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ जाय है, उसके लिए प्लेयर है। जब कभी वो लोनलीनेस में होता है तो वो रिकॉल करता है उसी सीन को, तो उसको रिकॉल करने से उसकी सारी जो वरीज हैं वो वेनिशेज हो जाती हैं, डिसअपियर्स हो जाती हैं, और इस तरह से वो क्या करता है, फील्स वेरी हैप्पी, दिस सीन हैज़ बिकम परमानेंट सोर्स ऑफ जय फॉर द पोएट। तो इस अंदाज से आपने इसको उसको सम अप करके राइट करना होता है, इसको समरी कहा जाता है। पोएम की समरी आपने लिखी है, पोएट को डिस्क्राइब किया है, फिर उसके बाद आपने आपके मेन पॉइंट पे आ जाना है कि किस तरह से उसने वो क्या कर रहा था, उसने किस तरह से सीन को देखा, किस तरह से इंजॉय किया, वो सीन किस तरह का था। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना इसको समरी कहते हैं। तो असल मेन क्वेश्चन आपका यही 5 नंबर का यही होता है कि राइट समरी ऑफ द पोएम, जो पोएम है उसकी आप समरी राइट करें। तो ये आपने प्रिपेयर करनी होगी, आपको स्कूल से भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके पास जो बुक्स हैं रिलेटेड रेलेवेंट कंपोजिशन वाली बुक्स वहाँ से भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।